स्ट्रेचर नहीं मिला आपको? हाँ मिला, एक घंटे से स्ट्रेचर नहीं मिला। मैं हूँ अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। स्वास्थ्य सेवाओं के दावे की पोल खोलता एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में बुजुर्ग मरीज को स्ट्रक्चर नहीं मिला तो उसकी बहू ने उसे चादर पर बिठाकर खींचती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आया है, जहां गजराज मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जयरोग अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है। अस्पताल में स्ट्रक्चर नहीं मिलने पर बुजुर्ग को उसकी बहू ने चादर पर बिठाकर खींचती हुई वायरल वीडियो में नजर आ रही है। बुजुर्ग मरीज का नाम श्री कृष्ण ओझा भिंड निवासी बताया जा रहा है, जो साइकिल से गिरने पर उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिनका ऑपरेशन होना था, जिसे डॉक्टर को दिखाने के लिए उनकी बहू अस्पताल पहुंची थी। बहू को स्ट्रक्चर नहीं मिला तो उन्होंने जुगाड़ लगाया और चादर को स्ट्रक्चर बना लिया और अपने ससुर को चादर पर बिठाकर खींचती हुई अस्पताल के गेट तक पहुंची। इस दौरान किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। इस वायरल वीडियो पर जीआरएमसी के डीन डॉक्टर अच्छन निगम ने क्या कहा है, हम आपको सुनाते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम ग्वालियर से। मिलती है तो ले लेती है। हाँ। अब स्ट्रेचर कम है, अब गार्ड वाले बेचारे क्या करें, होता है तो दे देती है, अब नहीं होता तो नहीं। अकेले परेशान हो? आपके कौन है जी? ससुर। ससुर साहब है? क्या समस्या है आपको? अरे ये गिर गई थी साइकिल से, ऑपरेशन होगा, पत्थर वाली में ले जाना है मुझे। पत्थर वाली में ऐसे ले जाओगे? नहीं, पत्थर ले जाना है मुझे कराते। अच्छा, ऑटो कर लिया बाहर। आज ही सुबह आया है, मैंने संबंधित को तुरंत वीडियो फोटो भेजी है और इस पर कार्रवाई करने का मैंने मन बना लिया है। ये जो भी है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किंतु मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, मेरे नए अस्पताल में यानी एक अस्पताल में 7 से आसपास स्ट्रेचर हैं जो विभिन्न विभागों में दिए गए। अब 10 स्ट्रेचर गेट पे ही रखे गए हैं, किंतु मरीज वास्तव में गाँव के आते हैं, समझ नहीं पाते हैं, रास्ता नहीं पता होता, जल्दबाजी में जाते तो वो अपने इच्छा अनुसार इधर उधर चले जाते हैं। फिर भी उनकी इच्छा के लिए मैंने एक सेवा भारती के माध्यम से सहायता केंद्र खोला है, जिसमें आदमी बैठे हुए हैं, लोग उनसे पूछ सकते हैं कहाँ जाना है, कहाँ स्ट्रेचर मिलेगा, किस प्रकार से पालन करना कर सकते हैं। इसके बाद भी समस्या है तो हमने वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं शिकायत। लेकिन मैं आपको एक उचित और बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बहुत जल्दी हमारा साइनेज बोर्ड का काम चल रहा है, उसमें बहुत सारे डिस्प्ले टीवी लग रहे हैं, टीवी में रेगुलर रास्ता नक्शा कहाँ का कौन सा विभाग है, ये सब बराबर चलता रहेगा, इसमें सबको संज्ञान में आता रहेगा। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ इस प्रकार की आगे किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होगी। इस मामले में जो दोषी है, बिल्कुल जो भी दोषी है मैं उनको 100 का नोटिस करूंगा।